की शुरुआत करते हैं। खबर खेल मैदान से है, जहां स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया है। तो रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने वीडियो जारी कर आरोप लगा दिया है। जडेजा की बदौलत भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया को 177 रन पर समेट दिया। चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जडेजा की वापसी हुई और ऐसे में ये आरोप ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उन पर लगा दिया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज मैच में इंडिया ने, भारत ने कमाल कर दिया, गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, जडेजा ने कमाल कर दिया और ऐसे में आज जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट झटके हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने वीडियो ये जारी किया, आपको टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, जारी कर आरोप लगाया है। जडेजा की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रन पर समेट दिया। वीडियो देखिए, चोटिल होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जडेजा की वापसी हुई है और ऐसे में ये आरोप उन पर। और चलिए इस खबर पर विशेष संवाददाता दिलीप का आपसे जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। दिलीप जी, चोटिल होने के बाद एक और मौका, जडेजा की वापसी और ऐसे में ये बड़ा आरोप। देखिए प्रगति, एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया है बहुत पॉपुलर, फॉक्स स्पोर्ट्स करके, इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया गया है और माइकल वॉन जो की इंग्लिश क्रिकेटर है और टीम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इन्होंने जडेजा के इस तरह बॉल पर जो कुछ भी लगा रहे, स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कर रहे थे बॉल के साथ, तो आरोप लगाया है और उनका आरोप सीधे सीधे बहुत बड़ा है। ये आरोप है बॉल टेम्परिंग का, यानी कि गेंद के साथ छेड़छाड़ करने का। अब ऐसे वक्त में जो बातें सामने आ रही हैं कि जडेजा की जो उंगलियों को आराम देने के लिए जडेजा ने सिराज से एक ऑइंटमेंट जो होता है, एक क्रीम जो होती है, वो अपनी उंगलियों पर लगाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसे एक तरह से बॉल टेम्परिंग का जो आरोप मढ़ने की कोशिश में कर रहा है जडेजा के ऊपर। एक बात इसमें गौर करने वाली ये है कि ये मामला, ये वीडियो जिस वक्त का है, उस समय ऑस्ट्रेलिया 120 रनों पर, उसकी आधी टीम लौट चुकी थी पवेलियन, 120 रन में 5 विकेट थे। तो ऐसे में भारत की तरफ से किसी गेंदबाज का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना या किसी तरह का चीज करना या बॉल टेम्पर करना, कोई दुख ही नहीं बैठता है कि इस तरह का कुछ वहां पे भारत को करने की जरूरत थी, क्योंकि उनके सारे बड़े बैट्समैन बाहर जा चुके थे। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है, हमेशा से आप देखिए स्पीच को लेकर भी उन्होंने इतना कुछ कहा, भारत के अप्रोच को लेकर भी वो हमेशा से सवालिया घेरे निशान लगाते रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा तवज्जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ऑल्टमेंट की है। और जो खुद ऑस्ट्रेलियन मीडिया जानता है कि उनके खुद की टीम जो है हमेशा बॉल टेम्परिंग विवादों में रही है, 2018 का विवाद हमें अच्छी तरह याद है, जब डेविड वार्नर और स्मिथ पर 1 साल का बैन लगा था। तो आज स्मिथ और वार्नर दोनों इस टीम में मौजूद है, तो जब तक ये जडेजा का पक्ष इस मामले पे नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने जब तक इस तरह से देखा जा रहा है कि जडेजा कुछ लेकर बॉल पर लगा रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट पे है ऐसा बताया जा रहा है। निश्चित ही, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।